Thank you very much. Thank you. डायमंड के लिए कितना बैलेंस चाहिए सर? तालियां तो बजा रहे हैं आप, मालूम है कितना चाहिए? 50 करोड़। कितने साल में करना है? एक महीने में 50 करोड़। कुछ लोग कह रहे हैं सर 40,000 नहीं पूरा होता है, स्लैब छूट जाता है हर बार, कभी 2,000 से छूट गया, 3,000 से छूट गया, अब 50 करोड़ की बात कर रहे हैं। जी हाँ, 50 करोड़ चाहते हैं ना? नए लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आरसीएम का डायमंड एक ऐसा पैकेज है जहां पे एक आदमी जिंदगी में जो चाहता है, जो सोचता है, वो सारी चीजें मिल जाती हैं उसको। डायमंड का मतलब ये है कि आपके पास में अनाप शनाप पैसा आने लग जाए। कैसा पैसा? अनाप शनाप, पता नहीं कहां से आ गया, कितना आ गया, कोई मालूम नहीं, कोई ऐसा पता नहीं है, और सब एक नंबर का, दो नंबरी नहीं, पूरा टीडीएस वगैरह काट कूट के बिल्कुल व्हाइट वाला एकदम। और वैसे भी ब्लैक वाला की तो देश में वैसे ही खैर नहीं, आज वैसे दिक्कत चल रही है। चाहिए पैसा सर? yeah! गिनती वाला चाहिए, अनाप शनाप चाहिए? अनाप शनाप मतलब डायमंड पे जाने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि आपका इस महीने जो चेक आया, अगले महीने के चेक में 10 लाख का उछाल आ गया। हेलो, पहले मैं जब आश्रम में आया तो बड़ा ट्रेनिंग लेता था, सीखता था कि यार पैसे कमाना कैसे है। अभी मैंने ट्रेनिंग ली दिल्ली में पिछले साल, वो ये इस चीज के लिए थी ली कि यार इतना आ रहा है, उसे लगाना कहां है। आप भी लेना चाहेंगे ऐसी ट्रेनिंग? डायमंड पे जाने के बाद में लेनी पड़ेगी सर, मजबूरी हो जाएगी, और कोई विकल्प नहीं रहेगा आपके पास। अच्छा, पैसा तो दूसरे बिजनेसेस में भी है, ऐसा नहीं है कि आरसीएम में ही है। केबल टीवी का बिजनेस मैं कर रहा था, उसमें पैसा था, लेकिन पैसे के साथ में अगर टाइम फ्रीडम आपको मिल जाए, यानी जितना अनाप शनाप पैसा उतना अनाप शनाप टाइम। आम आदमी के पास 24 घंटे, लेकिन जब आप डायमंड बनेंगे, आपकी टीम में लाखों लोग होंगे, और उन लाखों लोगों से अगर आप 24 घंटे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में करोड़ों घंटे हो जाएंगे, उतना टाइम आपके पास मिल जाएगा। पैसा भी है, टाइम भी है, फिर एक समस्या ये है कि यार आज तो है, कल पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। अब तो जोश त्रोश है, जवानी है, भाग दौड़ कर रहा हूं, बुढ़ापे में क्या होगा। अब अगर ये भी गारंटी मिल जाए कि बुढ़ापा तो छोड़िए, ये आरसीएम की इनकम है, जब आनी शुरू होती है तो जब आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, ये फिर भी भूत की तरह आपके पीछे लगी रहेगी और आपकी अगली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगी। कई लोगों को लगता है कि आरसीएम बिजनेस छोटा काम है, लोगों से जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब आपके दिमाग में ये सब आए, ऐसा जान लीजिए सर कि क्या कोई ऐसा काम धंधा आपके पास में है, या आपका अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कोई ऐसा काम कर रहा है जिस काम के करने का बेनिफिट अगली पीढ़ी तक चला जाए। हेलो, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं आरसीएम बिजनेस की ताकत का। हमारे अब बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत शानदार वक्ता है, उनका नाम है रवि योगी शर्मा। कितने लोग मिले हैं रवि योगी शर्मा जी से? देखिए, अधिकतर लोग मिले हुए हैं। रवि ओपी शर्मा जी के पिताजी थे ओपी शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा। उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया, बिजनेस कब ज्वाइन किया, तब किया जब वो राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर थे, सहकार विभाग डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहां पे अच्छी पोस्ट थी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक विजन था, इसकी गहराई मालूम थी, तो उन्होंने आज से मेहनत स्टार्ट किया, मेहनत की, पार्ट टाइम करते गए, और कब किसके साथ में क्या होगा किसी को मालूम नहीं रहता, ओपी शर्मा जी का देहांत हो गया।
बिजनेस ट्रांसफर होता है नॉमिनी के नाम पे, ट्रांसफर होना था रवि के नाम पे, रवि उस समय उन्होंने पढ़ाई की थी, आश्रम के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं, बिजनेस ट्रांसफर हो गया। उनसे अकाउंट नंबर पूछा गया कि भाई कौन से अकाउंट में आपको पैसा चाहिए, उन्होंने अकाउंट नंबर दे दिया। अब उनके पास में पहली इनकम आई, आरसीएम के बारे में ज्यादा नहीं जानते, मीटिंग नहीं ली, लोगों को नहीं जानते हैं। अब पहली इनकम आई होगी, आप अंदाजा लगाइए कितनी आई होगी। आपको तो शायद 100, 200, 500, 700, 1000 आई होगी, लेकिन ये बिजनेस जब अगली जनरेशन में ट्रांसफर होता है तो रवि जी की जो इनकम रही होगी शायद 20-25 लाख रुपए के आसपास रही होगी। हेलो, यानी आपको टाइम भी मिल रहा है, डायमंड बनने के बाद में आपको पैसा भी मिल रहा है, आपको सिक्योरिटी भी मिल रही है, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, आपको लोगों का प्यार मोहब्बत दुआएं मिल रही हैं, देश दुनिया में घूमने के मौके मिल रहे हैं। ये सारी चीजें किसी एक जगह मिलती हैं तो उसे कहते हैं आज से का डायमंड। बनना चाहते हैं सर? इरादा है? अगर आपका इरादा है तो इस शब्द को ध्यान से देखिए, विजन ऑफ आरसीएम। डायमंड आज तो नहीं है ना, कब बनेंगे? आगे बनेंगे, भविष्य में बनेंगे। तो भविष्य में बनेंगे आप, डायमंड बनेंगे, उससे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि आरसीएम जो है यह कहां जाने वाला है, क्यों चलेगा। और वो विजन अगर आपको दिखने लग जाएगा, वो विजन आपको प्रेरणा देगा, वो विजन आपको टफ टाइम से लड़वाएगा, और उस विजन की वजह से आप आगे बढ़ेंगे। किसी भी एक क्षेत्र के कामयाब लोगों को आप उठा के देखिए, उनके बारे में पढ़िए, आप पाएंगे कि उन सब में एक कॉमन चीज थी, और ये थी वो विजन थे। उन्होंने किसी काम को तब किया जब ज्यादा लोग उसके बारे में जानते नहीं थे, और जानते थे तो उनको लगता था कि ऐसा भी होता है कभी। हेलो, और आरसीएम बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए बना है, वही लोग इसमें कामयाब होंगे। उनको मालूम है यह कहां जाएगा, और लोग कहेंगे ऐसा भी होता है कभी, और उनको मालूम है कि ऐसा ही होता है आरसीएम बिजनेस में। अगर हम पैसे की बातचीत करें, हमारे देश में सबसे कम पैसा वो व्यक्ति कमाता है जिसका वजन सबसे छोटा होता है। दिहाड़ीदार जो मजदूर होता है, सुबह काम पे जाता है और शाम को उसको पैसा चाहिए, होता है सर? आपका भी अनुभव रहा होगा शायद, कुछ लोगों को शायद आपने इस काम पे रखा होगा, वो लोग शाम को पैसा चाहिए। आप उनको कहिए कि आप 10 दिन बाद ले लीजिए, 10 दिन का काम है हमारे यहाँ पे, घर पे चिनाई का काम चल रहा। बोलेंगे नहीं सर, 10 दिन तक आऊंगा, लेकिन पैसा हर रोज चाहिए। वो सबसे कम पैसा प्राप्त करते हैं। उससे ज्यादा पैसा कौन प्राप्त करते हैं? जो एक महीने बाद, एक महीने का जिनका वजन है, उनको लगता है कि यार एक महीने का पेशेंस भी है मेरे अंदर, एक महीने बाद मिलेगा तो कोई बात नहीं। उससे ज्यादा कौन कमाते हैं? वो कमाते हैं जो एनुअल पैकेज पे काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जब अपॉइंट करती हैं तो वो पैकेज बनाती है कि हम आपको साल में 15 लाख देंगे, तो वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। उनसे ज्यादा कौन कमा रहा है? वो कमा रहा है जिसका 2-3 साल का वजन है, बिजनेसमैन है, पैसा है, वो पैसा लगाता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, और उसके बाद में सोचता है कि चलो इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करूंगा, और 3 साल बाद भी पैसा आएगा तो कोई बात नहीं। उससे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? वो कमाता है जो और बड़ा बिजनेस रखता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े उद्योग कराने हैं हमारे पास में, हमारे देश में, उनका जो बिजनेस है, उनकी जो प्लानिंग है, वो शायद 5, 10 साल, 15 साल की प्लानिंग होती है। राइट सर? एक करंट एग्जांपल ले रहा हूं आपको, जियो का सिम कितने लोगों के पास में है? सबके पास में है। आपके लिए एक खबर है मेरे पास में सर, और आपने उसको देखना है कि अच्छी है या बुरी है, और बड़ी अच्छी शिक्षा है इसमें। जियो जब स्टार्ट हुआ तो जियो ने क्या किया? जियो ने कहा कि भाई कनेक्शन ले लीजिए, और जिसको कनेक्शन मिल गया
उसको हम लोग सिम देंगे और उससे मैं अनलिमिटेड डाटा फ्री है, कितना भी डाउनलोड करो। मुझे पटना में नहीं मालूम क्या हाल था, दिल्ली में तो यह हाल था कि लोग मंत्री की सिफारिश लगवाते थे कि जियो का सिम मिल जाएगा सर, वो कहते थे कार्ड चाहिए वो मतलब अपना आधार कार्ड, तो जिन लोगों ने नहीं बनवाए थे जियो के सिम की वजह से बनवा दिए, यार आपको बनवाना ही पड़ेगा नहीं जियो वाले सिम नहीं देंगे, कॉलिंग फ्री करना शुरू कर दिए। तो आम आदमी को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था यार जियो को रिलायंस ग्रुप को क्या हो गया है, मुकेश अंबानी कि क्या है सब कुछ फ्री बांट रहे हैं। अब उनका विजन जो है वो 10 साल का है, उन्होंने क्या किया लोगों को अटैक किया, लोग आना स्टार्ट पे, कौन लोग आए, अमेरिका वाले लोग नहीं आए, वो लोग आए जो एयरटेल यूज करते थे, बीएसएनएल यूज करते थे, आइडिया करते थे और छोटी छोटी मोबाइल जो कंपनियां थी उनके फोन थे वो यूज कर रहे थे, वो उनके पास में आ गए, तो उनका क्या हुआ उनका बिजनेस जो था कम हो गया और धीरे धीरे रिलायंस का जो टारगेट था वो अपने टारगेट में कामयाब होना शुरू कर दिया। उसका टारगेट ये नहीं था कि 6 महीने में 1 साल में मैंने कितना कमाना है, उसका ये था कि 1 साल में कितनी कंपनियों को बंद करना है। अब वो हर साल 6 महीने में 1 विकेट ले लेते हैं। अभी धीरे धीरे क्या होगा, अब कुछ कंपनियां हैं वो कह रही कि चलो कभी ना कभी तो रिलायंस को अकल आएगी, बुद्धि आएगी, कम करेगा, तो वो जिए जा रहे हैं, घाटे में चलती जा रही है कंपनियां। आप उठा के देखिए उन कंपनियों की लिस्ट, वो सब चलता जा रहा है। और आज भी आप देखेंगे कि रिलायंस आज भी रिलायंस तो प्रॉफिट में है, लेकिन उसका जो ये जियो वाला सेगमेंट है वो प्रॉफिट में नहीं है, राइट सर? उनकी क्या सोच है? अब ये धीरे धीरे जब मार्केट से मामला साफ होता चला जाएगा और तब तक आपको आदत पड़ जाएगी कि जब तक आपके मोबाइल में अच्छा सा डाटा डाउनलोड नहीं हो तो आपको नींद नहीं आ रही होगी, तो उस समय कहेंगे कि भैया अब जाइए कहां पे जाओगे, अब हमारे पास ही आना पड़ेगा और जितना दिया है वो ब्याज के समेत में वापस दे दीजिए, हमारा हक बनता है आपसे लेने का। कुछ लोगों की तालियां नहीं बज रही की बड़ी गलती होगी। देखिए ये जो जियो की कहानी है ना, ये एक बड़ा बहुत बड़ा संदेश हम लोगों को आम आदमी को दे रही है। ये कहानी ये बता रही है कि अगर हमारा भी जिंदगी में इस प्रकार का वजन हो जाए, ऐसी सोच हो जाए, हम इस चीज से ऊपर उठ जाए कि आज काम कर रहे हैं कल क्या मिलेगा, थोड़ा सा बड़े वजन के साथ में काम करेंगे तो हम लोग जिंदगी के हर क्षेत्र में बहुत बेहतर हो सकते। लोग है ना बड़ी मुश्किल से अपने मन को मोस के 4 दिन गांधी मैदान जाते हैं और फिर जब दिखता है ना कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ अभी मामला वैसा का वैसा ही है, कोई मोटापा कम नहीं हुआ है, तो फिर छोड़ देते हैं। सिर्फ 4 दिन की सोच है, आप ये सोचिए 4 महीने के बाद क्या होगा, और ऐसे करता रहा तो 4 साल के बाद मैं कैसा बन जाऊंगा। हेलो, वो बिजनेस में भी अगर वैसी ही सोच आपकी है, अगर बन जाएगी, आज से बड़ी लोगों के लिए है जो विजनरी लोग हैं, जो आज इस कैलकुलेशन में है कि अगले महीने कितना आएगा, 6 महीने में कहां बनेगा, 1 साल का गणित लगाएंगे, तो शायद आप लंबे समय नहीं टिक पाएंगे। अगर आपका 2, 5, 7, 10 साल का इरादा है कि बिजनेस सिर्फ आपके लिए बना है, कर सकते हैं सर। तो आज मेरा प्रयास है कि मैं आपकी थोड़ी सहायता करूं, आज से बिजनेस को लेके आपका विजन थोड़ा सा मैं बढ़ाऊं, उसमें और थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। सो हमारा जो ये मॉड्यूल है आज से बिजनेस का मॉड्यूल, ये जिस तकनीक पे काम करता है उस तकनीक को कहते हैं हम लोग डायरेक्ट सेलिंग। एक मॉड्यूल है, नया मॉड्यूल है काम करने का। सो ये जो डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल है, ये जो मॉड्यूल है हमारे देश में ये शुरू हुआ है, इसका भविष्य जो है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। किसी भी चीज का अगर आपको भविष्य जानना है तो उसका भूतकाल जानिए पहले। क्या जानिए? भूतकाल से भविष्य जुड़ा रहता है कहीं ना कहीं। और अगर हम भूतकाल देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है
इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई 1959 में, और 1990 के बाद में कुछ विदेशी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के मॉड्यूल को लेकर हमारे देश में आई। लोगों ने जो डायरेक्ट सेलिंग के मॉड्यूल को देखा कि इसमें मिडलमैन और एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा है वो आम व्यक्ति के पास में जाता है, तो लोगों को ये जो मॉडल था ना ये बड़ा अच्छा लगा, उनको लगा ये तो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन जब उन्होंने उन विदेशी कंपनियों के सामान को देखा, प्रोडक्ट को देखा, उनको लगा कि ये तो इतना महंगा है मैं नहीं खरीद पाऊंगा, तो आम आदमी डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट से पीछे हटने लग गया, दूर होने लग गया। और हमारे देश में 2000 आते आते ऐसी स्थिति हो गई कि लोगों को यह लगने लग गया कि यह बिजनेस अमीर लोगों का बिजनेस है, सिर्फ अमीर लोग ये सामान खरीद सकते हैं, उन्हीं के लिए बना है, गरीब लोगों के लिए, आवाम के लिए, आम व्यक्ति के लिए यह नहीं बना है। ऐसी धारणा बन गई। कब बनी सर? 1990 में शुरू हुआ, 2000 के आसपास में ऐसा माहौल बना देता। गीता में भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कुरुक्षेत्र में, तो अर्जुन को कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्य उत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो कहते हैं कि अर्जुन जब जब धरती पे धर्म की हानि होगी, पाप और अत्याचार बढ़ेगा, उस समय मैं अवतार लूंगा और किसी न किसी रूप में धरती पे आ जाऊंगा। और ठीक उसी वचन को निभाते हुए 2000 में ईसी चावड़ा जी भगवान के दूत के रूप में आए और आज के दिन करोड़ों लोगों को एक उम्मीद दी, एक आशा दी। जो लोग जिंदगी में हार मान चुके थे, थक चुके थे, जिन्हें लग चुका था कि कुछ नहीं होने वाला, उन लोगों को खोप दी। एक गांव में रहने वाला व्यक्ति जिसे लगा था कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, उसे एक उम्मीद है कि यस मैं कर सकता हूं। और इस मॉड्यूल के माध्यम से भी वैसा प्रोडक्ट लेके आए जो हर व्यक्ति की जरूरत थी, उसका वैसा रेट रखा जिसको आम आदमी खरीदे, उसको ये नहीं लगे कि बहुत महंगा है, मैं इसको यू नो कैसे परचेज करूंगा, मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती। तो आज से मेहनत की शुरुआत हो गई, आज हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट सर? आगे बढ़ते हम लोग। दो स्लाइड अभी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं, और ये जो दो स्लाइड हैं ये अगर आपके दिमाग में घुस गई, थोड़ी सी भी घुस गई, मैं गारंटी करता हूं उसके बाद आप सिर्फ आश्चर्य करेंगे, आश्चर्य के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा खोल लीजिए, खोल सकते हैं, यहीं पे प्रेजेंट रहिए। पहली स्लाइड देखिए, बहुत पावरफुल है। इस स्लाइड में वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट के जो आंकड़े हैं वो दर्शाए गए हैं। आप देखिएगा यहां पे अमेरिका की पॉपुलेशन बताई गई है 316 मिलियन, 31.6 करोड़, और वहां पे 64% लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है।